बिजली के बिल बढ़कर आ रहे हैं। सरचार्ज लगाकर आने से बिजली बिल में इजाफा हुआ है, जिसको लेकर प्रदेश भर में चर्चा है। इसी को लेकर अब राजनीतिक भी शुरू हो गई है और मुख्य विपक्षी दल इनेलो ने इस मुद्दे को भुनाने के लिए आज अम्बाला में प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अच्छे दिनों का वादा कर सत्ता में आई बीजेपी पर इनेलो ने गंभीर आरोप लगाए। इस मौके मीडिया से बात करते हुए नेता अशोक सेरवाल ने कहा कि बिजली के बढ़कर आ रहे बिलों पर एतराज़ जताया और इसे जनता से धोखा बताया। सेरवाल ने बढ़ाए हुए बिजली बिलों के दाम को वापस लेने और सरचार्ज हटाने की मांग की है। आज पूरे प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से इंडियन नेशनल लोकदल की प्रदेश कार्यकारिणी ने पिछले हफ्ते डिसाइड किया था कि पूरे प्रदेश के अंदर बैकडोर एंट्री से जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश की सरकार ने, खट्टर सरकार ने लोगों को एक ठगने का कार्य किया था, बिजली रेट बढ़ाने का कार्य किया, और ये पहली बार नहीं, पिछले 9 महीनों में लगातार निरंतर 4 बार रेट बढ़ाते चले आ रहे हैं बिजली के, और आज 43% आज बिजली के दाम बढ़ा चुके हैं। तो आज मैं कहना चाहूँगा कि बिजली उपभोक्ताओं को जेब काटने का कार्य है आज भारतीय जनता पार्टी सरकार काम कर रही है, तो उसी को जिस प्रकार से पिछले 9 महीने से निरंतर बिजली के दाम बढ़ाते चले आ रहे हैं, उसी को चिताते हुए कि बिजली के बढ़े हुए दाम वापस लेने चाहिए। और त्राही त्राही पूरे प्रदेश के अंदर मची हुई है, आज पूरे प्रदेश की जनता को लूटने का कार्य ऐसे ऐसे काम करके भारतीय जनता पार्टी आज काम कर रही है। अम्बाला से आजाद टीवी न्यूज़ के लिए कृष्ण बाली की रिपोर्ट।